लोगों का बहुत मिसकंसेप्शन है कि एक बार सर्जरी हो जाए तो जिंदगी भर मैं ऐसे लेटी रहूंगी या लेटर रहूंगा और कभी एक्टिव नहीं हो पाऊंगा या नॉर्मल जिंदगी नहीं जी हार्ट सर्जरी एक्सपेंसिव आप हॉस्पिटल जाएंगे एडमिशन होते ही आपसे डेढ़ दो लाख रुपए मांग लिए जाएंगे राइट ऑन द काउंटर सर्जरी सो एक्सपेंसिव हर चीज का इतना ज़्यादा हाई प्राइस क्यों है? हमें क्रिटिकल ब्लॉकेज ब्लॉकेज मिल जाता है जब हम अंदर ओ टी में होते हैं या कैटलैब में होते हैं हम बाहर आके आपसे पूछ नहीं सकते या पेशेंट से पूछ नहीं सकते उस इमरजेंसी सिचुएशन में कि क्या हम सेंट डाल सकते हैं आपके पास पैसे हैं कि नहीं हार्ट सर्जरी हो गया अब जिंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ेगी यू डू नॉट है कि आप कार्डियक सर्जरी कराओगे कोई भी हार्ट सर्जरी आप करवाओगे इट कैन अफेक्ट योर ब्रेन इट कैन अफेक्ट योर स्पीच मेमोरी लॉस हो सकता है सो so, कितना सच है इस बात माइनर कॉम्प्लिकेशन uh, हो सकते हैं आई केम अक्रॉस ए रील स्निपेट ऑफ अडियो जहाँ पे एक कार्डियोलॉजिस्ट ने खुद सामने से आकर बोला है कि डॉक्टर्स यूजली हार्ट सर्जरीज को जबरदस्ती पुश करते हैं कि आप फटाफट करवा लो सर्जरी नहीं तो

मेडिसिन है या कोई तरीके है कोई लाइफ स्टाइल चेंजेस है सर्जरी मे बी पर्मली डिले द सर्जरी अब जरूरत ही नहीं है सर्जरी हार्ट सर्जरीज आर अ स्कैम इन इंडिया जरूरत ना भी हो तो हॉस्पिटल वाले सर्जरी कर देते हैं हार्ट सर्जरी करने के बाद तो ब्रेन प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं ऐसी काफ़ी सारी बातें आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो सुनी होंगी और वैसे भी YouTube पर आजकल काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं जो कि हार्ट सर्जरीज और सर्जनस के बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं हाय आई एम डॉक्टर सोनिया भट्ट और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज हम वो सारे मिथ्स और मिसकन्सेपन्स को डीबंक करेंगे जो कि हार्ट सर्जरी से रिलेटेड हैं सो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो इंडिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट में से एक हैं टोरंटो, अबू धाबी और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में 12 साल से भी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद अब वो इंडिया आ चुके हैं इंडिया में वो हार्ट हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को और प्रमोट करना चाहते हैं और कार्डियक सर्जरीज की फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट लाना चाहते हैं सो ज्वाइन मी इन वेलकमिंग डॉक्टर हायरमाथ हाई डॉक्टर हाउ यू सो आपने अपनी प्रैक्टिस में

to restore a normal functioning human body or physiology, okay? And the whole reason we do surgery so that we correct the problem so that the person can become normal again. It's not the other way around. So लोगों का बहुत misconception है कि एक बार surgery हो जाए तो जिंदगी भर मैं ऐसे लेटी रहूँगी या लेटर रहूँगा और you know कभी active नहीं हो पाऊँगा या normal ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा, which is absolutely not true. But what do you think? Why are these myths there in the society? सी दैट्स बिकॉज वन रूल और वन अजम्पन डज नॉट अप्लाई टू एवरीबडी यू नो वन पर्सन कैन बी रियली सिक वेन दे कमिंग टू अ सर्जरी अगर वो सर्जरी करते टाइम उनका कंडीशन ठीक नहीं है उनकी हालत ठीक नहीं है तो उनके आउटकम्स जिंदगी बच जाती है लेकिन उनके आउटकम्स उतने uh, अच्छे नहीं होंगे जितने एक फिट पर्सन का हो सकता है या लो रिस्क पेशेंट का हो सकता है तो everybody's situation is different, so maybe seeing really you know uh, sick patients, people come to the assumption that सबका ऐसा ही होगा। और हम अपना it's... outcome हमेशा worse outcome से compare करते हैं। हमेशा yes that's human tendency yeah. तो <laughs> uh, लोगों को लगता है usually that कोई भी heart related surgery है it's going to be very risky, heart related surgery बहुत complicated होगी is it true? देखिए I think uh, the, this really is a big uh, प्रॉब्लम इन आर इन इन द मॉडर्न सोसाइटी कि एनी लेस इन्वेजिव मिनिमिली इन्वेजिव इज इज़ इक्वल टू द बेस्ट आउटकम्स एंड एनी थिंग दैट इज़ इन्वेजिव या सर्जिकल इज गाट वर्स्ट आउटकम्स ये ये जो इतना क्लियर डिलीनशन नहीं है एक्चुअली एंड देर आर सिचुएशंस वी इन्वेजिव इज गुड या मान लीजिए एनजोग्राम एनजो स्टेंट जो भी है वो अच्छा है एंड कुछ सिचुएशंस में सर्जरी करने से आपका ठीक है शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ी तकलीफ होगी यू यू फील रिस्ट्रिक्टेड बट देन यू लुक एट द लॉन्ग टर्म गोल्स एंड यू एक्चुअली डू ड्रामेटिकली वेल इन फैक्ट बेटर दैन द लेस इन वेज ऑप्शन सो इट्स एक्चुअली द डॉक्टर शुड एक्सप्लेन टू यू एंड इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर सच क्वेश्चन ओके okay, सो so, um, आपने जो आंसर दिया उसके बेसिस पे आई हैव अनदर क्वेश्चन हां जी आई केम अक्रॉस अ एक्चुअली इट वाज अ वीडियो अ स्निपेट ऑफ अ वीडियो जहां पे एक कार्डियोलॉजिस्ट ने खुद सामने से आकर बोला है कि डॉक्टर्स यूजुअली हार्ट सर्जरीज को जबरदस्ती पुश करते हैं कि आप फटाफट करवा लो सर्जरी नहीं तो एक दो दिन में ही हार्ट अटैक आ जाएगा एक दो दिन में ही इट कैन बिकम वेरी वेरी सीरियस सो अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट ही स्टेटेड वाज not every case which is expected or maybe said to be very critical is actually critical. so what is your take on that? Like I said, everything is not black and white. Um, see, cardiac surgery has been around for the last 100 years. and usme the most common surgeries that we perform nowadays have been around for the last 60, 70 years. they're time trial, tried, tried and tested. And... Uh, ऐसा नहीं है कि यू नो जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट ऑपरेटेड यू नो समी इज़ पुशिंग यू टू गेट ऑपरेटेड आजकल डॉक्टर्स के पास कुछ डॉक्टर्स के पास टाइम कम होता है कि दे इज नॉट एबल टू ले आउट यू नो ऑल द रीजन्स ऑफ वाई यू मे नीड सर्जरी वर्सेज समथिंग एल्स बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं इट इज़ फॉर योर बेनिफिट एंड वी वे द रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ वाई यू यू नो हैव सर्जरी एंड वन थिंग ओवर द अदर सो आई थिंक यू कैनॉट जस्ट ब्लाइंडली से दैट सर्जरी इज़ इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड नो डॉक्टर इज फोर्सिंग यू इट इज़ एक्चुअली इन समारियो सर्जरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन येस इट इज़ नॉट लाइक हंड्रेड परसेंट कि ऐसा नहीं होगा कि यू नो बिल्कुल सर्जरी नहीं करोगे तो यू नो यूल डाई इमीडिएटली दैट्स नॉट द वे एक रिस्क होता है

कुछ स्टेंट्स दो साल में ब्लॉक हो जाते हैं लेकिन सर्जरी जो है अकॉर्डिंग टू स्टडीज एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ डूइंग सर्जरीज वी नो दैट दीज आर मोर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस 20 30 साल तक सर्जरी जो जो पेशेंट्स ने सर्जरी करवाया दे हैव डन रियली वेल ओवर 20 30 इयर्स एंड दे हैव नॉट नीडेड एनी अदर इंटरवेंशन ओके सो हाउ डज अ पेशेंट इंश्योर कि अगर उसको कोई सर्जरी प्रिस्क्राइब हुई है बाई सम डॉक्टर हाउ द पर्सन शुड इंश्योर कि ठीक है ये सर्जरी करना सच में इम्पॉर्टेंट है एंड इट इज नेरीमेंड दर्सन टू गो टू अनादर डॉक्टर फॉर सेकेंड ओपिनियन डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ एनी पेशेंटर डिजीजेट तो वी डू टेक प्रोफेशनल हेल्प वी डू टॉक टू अर कोलिग्स एंड आपस में हम डिस्कशन करते हैं कुछ एक्सपीरियंस लोगों से बात करते हैं बट मोस्ट यूजअली ऑन डे टू डे बेसिस वी नो वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट हमें पता होता है कि ये करें तो ये बेहतर होगा आपके लिए बट आई थिंक द मेन प्रॉब्लम इज कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट एंड वंस वी एक्सप्लेन एंड टेल दम दैट नो दिस इज द वे टू गो आई थिंक दैट्स बेस्ट ऑप्शन तो अगर कोई पेशेंट हार्ट सर्जरी रिकमेंड उसको अगर कर दिया गया है डॉक्टर के थ्रू सो हाउ शुड द पेशेंट इंश्योर दैट व राइट प्लेस वॉक्टर कोई ऐसी टेक्निकलिटीज जो आम इंसान जैसे हमें टेक्निकल लैंग्वेज अगर हमें नहीं पता तो हम कैसे इंश्योर करें कि आप जो बता रहे हैं वो सर्जरी ये वाले डॉक्टर जो हैं, वो स्पेसिफिक कर सकते हैं मास्टर ऑफ दैट सर्जरी आई थिंक दैट इज वाइर मीडिया पिक्चर इन स्टेड ऑफ जस्ट गूगलिंग आर सिम्टम्स एंड जस्ट नोइंग वॉट एवर यू नो अबाउट आर डिजीजेज़ अगर यू नो इनड ऑफ़ डोइंग देट वी राधर गूगल अबाउट द डॉक्टर उनके क्वालिफिकेशंस देखिए उनके इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देखिए कुछ डॉक्टर्स uh, के ऑलरेडी ऑपरेटेड या ट्रीटेड पेशेंट्स होंगे uh, उनके बारे में टेस्टमोनील्स होंगे uh, तो थोड़ा बहुत तो रिसर्च करना पड़ेगा कि हाउ द डॉक्टर इज़ एंड ऑफकोर्स वर्ड ऑफ माउथ इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट

ब्लॉकेजेस इन द हार्ट और स्टिनोसिस ऑफ द हार्ट एज आई जस्ट मैंशन क्या होता है कि ओवर ईयर्स ऑफ यू नो ड्यू टू एथ्रस्लोटिक डिजीज मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जब होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल प्लाक्स बन जाते हैं ब्लॉकेज बन जाते हैं हार्ट्स में वो कई सालों से बनते हैं जब वो हो जाता है तो द ब्लड सप्लाई टू सर्टन एरियाज ऑफ द हार्ट इज ऑब्सट्रक्टेड मतलब ब्लड uh, पहुंचता नहीं है उसके वजह से वो जो हार्ट के मसल हैं वो वीक होते जाते हैं या इट दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ द हार्ट डाइज इट्स कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन या तो वो होने वाला होता है या हो चुका होता है एंड इफ़ इन दो सिचुएशन हम क्या करते हैं या तो एक स्टेंट डलता है या बाईपास होता है बाईपास का मतलब वी टेक वेन्स फ्रॉम द लेग और हैंड्स और बिहाइंड द चेस्ट एंड वी बाईपास

और जो हम नस पकड़ के वो देखते हैं उसको बोलते हैं आर्टरीज तो आर्टरीज दिखते नहीं है ऊपर ये जो वेन्स दिखते हैं ये बहुत सारे होते हैं हमारे बॉडी में जैसे एग्जाम्पल एक वेन होता है पैर में कॉल द ग्रेट सेफिनिस वेन जिसको हम रिमूव करके बाईपास में यूज़ करते हैं लेकिन वैसे कई सारे वेन्स हैं पैर में जो ऑल्टरनेटिव सर्कुलेशन प्रोवाइड करते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने ये वेन यूज़ किया है और सिमिलरली छाती के पीछे एक आर्टरी होता है वो भी दो होते हैं हम एक यूज करते हैं या दोनों यूज करते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि नेचुरली हमारे बॉडी में कई सारे ब्लड वेसल ऑल्टरनेटिव सर्कुलेशन है ऑलरेडी तो इसके कई स्टडीज हुए हैं और इट्स अ टाइम टेस्टेड प्रोसीजर तो ऐसा नहीं कि एक निकालने से कुछ डैमेज हो जाता है ओके ओके सो एक मिथ है बाईपास सर्जरी से रिलेटेड कि आपने सर्जरी आज कराई

Um, every day we op we do coronary bypass grafting, and it's one of the safest. Literally, risk percentage is is less than one percent, I would say, or one to two percent, depending on the condition of the patient in which they arrive. And most usually, it's the lowest risk surgery that we can do among all the heart surgeries. So it's one of the safest thing, and it's the best option uh, to perform these. Heart so, but do we need to do it like after a few? Uh -huh. सो कमिंग टू दैट सी डिपेंड्स ऑन हाउ कंप्लाइंट द पेशेंट इज विध मेडिकेशन्स अगर वो रेगुलरली मेडिसिन ले रहे हैं लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला रहे हैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं डॉक्टर्स के साथ फॉलोअप कर रहे हैं कि नहीं इन पर डिपेंड होता है कि हाउ द आउटकम ऑफ द सर्जरी विल बी बट कंपेरेटिवली द रिस्क ऑफ समथिंग ब्लॉकिंग अगेन इज वेरी लो इफ द राइट थिंग्स हैन इन द फर्स्ट सिटिंग

अगर आप रेगुलरली uh, अपने आप को चेक करवाते हो अगर जेनेटिक डिजीजेस हो गए यू नो इन द फैमिली देन बाई गेटिंग ब्लड टेस्ट डिटेक्टिंग हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड से डिटेक्टिंग डायबिटीज एट अर्ली स्टेज एंड टेकिंग द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एट दैट स्टेज मैनी पीपल दे इग्नोरड टिल टिल इट इज एक्चुअली यू नो दे रीच द एंड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसिस एंड बाई डिटेक्टिंग दीज थिंग्स अर्ली यू कैन अवॉइड सर्जरी Okay. It's only when things are uncontrolled that it eventually becomes so bad that you may need surgery. So it's the final call for your Absolutely. Help. Time and tested saying here prevention yeah. is always better than cure. Agreed. Yeah. Totally. So um so is angioplasty better than um bypass surgery or it's the other way around? There's nothing that is one thing is better than the other. Depends on you know what the pathology is basically. Agar I think for the layman I will simplify it if you have just one or two short segment blockages in your heart, stents may be a good option. you may not need surgery. Okay, but if you have multiple blockages and long segment of disease and there are just few areas of the blood vessels that are okay, then surgery may be a better option. because eventually, see, coronary artery disease is a progressive disease. Matlab, wo rukta Uh, आपके सर्जरी के बाद भी वो जो ब्लॉकेजेस पहले थे वो रहेंगे और बढ़ते भी हैं तो रीज़न वी डू सर्जरीज इज टू प्रिवेंट फर्दर हार्ट अटैक्स टू प्रिवेंट सडन डेथ एंड टू प्रिवेंट हार्ट फेलियर्स इन द फ्यूचर टू प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ द प्रॉब्लम लेकिन जो ऑलरेडी है उसको हम निकालते नहीं है या वो रिवर्स नहीं होता है ओके फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू इन माई ओन फैमिली और फ्रेंड्स आई कैन टेल यू Um, a 36-year-old uh, person whom i know very well, uh, when on a foreign trip he actually had a massive heart attack. okay? Um, he had, of course, risk factors for having that. he has family history and so on and so forth. but he was rushed to a hospital in literally a dying situation. but he was rescued thanks to timely angiogram done, and they put in a stent and they opened up the culprit uh, blood vessel and he, his life was saved so stents can save lives in those situations now i'll give you another example i have another family member who at the age of around 55 or so he had to have a bypass surgery because he had multiple blockages and he had a surgery at a very good center and uh, now he's 86 and he's doing absolutely fine he's just leading a normal life and thanks to the surgery that was done then

क्वेरी कि स्टेंट कुछ टाइम बाद मुझे चेंज करवाना पड़ेगा इट इज समथिंग दैट आई नीड टू गेट रिप्लेस इट ट्रू नो इट्स जस्ट लाइक वॉट आई पॉइंटेड आउट इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज़ वो डिजीज रुकता नहीं है एज सच अगर हमें ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है वो बढ़ता जाता है एंड जो हमने जो स्टेंट्स डाले हैं उसके आगे भी डिजीज हो सकता है तो मतलब एक और स्टेंट लग सकता है फ्यूचर में या जो आपके स्टेंट है ऑलरेडी उसमें भी ब्लॉक हो सकता है ड्यू टू डिजीज प्रोग्रेशन और मे बी यू डिड नॉट चेंज याइफ स्टाइल मे बी आप कंटिन्यू किए आपने स्मोकिंग कंटिन्यू किया या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो मेडिसिन ठीक तरह से नहीं ले रहे हो फॉलो अप नहीं कर रहे हो तब हो सकते हैं देर आर हाई चांसेज देट यूल बैक विद सच प्रॉब्लम्स अगर आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो देन इट इज अवॉयडेबल तो उनका मानना है कि सिर्फ उम्र दराज लोग मान लेते हैं पचास साल से ऊपर लोगों को ही जरूरत पड़ती है की. वॉट इज द सर्जरी एंड क्या यंगर जनरेशन को भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है देखिए अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा तो देर आर फोर वेल्व इन हार्ट एंड लेफ्ट साइड सिस्टम ऑफ द हार्ट जो हाई प्रेशर सिस्टम है और राइट right साइड जो है लो प्रेशर सिस्टम है और सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं एयोटिक वैल्व माइट्रल वेल्व जो लेफ्ट साइड में होते हैं दीज वैल्व कैन आइदर हैव डिफेक्ट फ्रॉम द बर्थ एंड विच विल लेटर कम इन यंग एडल्ट मतलब बीस पच्चीस में दिख जाते हैं वेल्व के प्रॉब्लम सच एज बाई कस्पेड एटिक वेल्व और uh, कुछ लोगों में uh, ये प्रोग्रेस होते होते फिफ्टी uh, सिक्सटी में मैनिफेस्ट होते हैं तो कुछ डिजीजेस हैं वेल्व्स के जो 40 प्लस में दिखाई देते हैं और कुछ डिजीजेस हैं जो यंग एडल्ट्स में भी दिखाई देते हैं लेकिन ये किसी में भी हो सकता है और ये आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग ओके सो वाल्व रिप्लेसमेंट का सर्जिकल ऑप्शन आपने बता दिया इज देयर एनी नॉन सर्जिकल ऑप्शन फॉर एनी वाल्व रिलेटेड लाइक डिजीज हाँ बिल्कुल लाइक स्पेशली फॉर ओल्डर पेशेंट्स वी हैव प्रोसीजर्स लाइक द टैबी ट्रांस कैथेटर रेटिक वैल्व रिप्लेसमेंट मतलब एक छोटे से सुई से एक स्मॉल uh, होल से फाइव एम एम टू मैक्सिमम वन सेंटीमीटर होल में आर्टरी uh, से हम वैल्व को चेंज कर सकते हैं एंड दैट इज़ यूजली डन इन ओल्डर पेशेंट्स लाइक सिक्सटी प्लस सिक्सटी फाइव प्लस उस उनके कुछ गाइडलाइंस होते हैं उसके हिसाब से हम लोग करते हैं और बाकी पेशेंट्स में ओपन सर्जिकल वेल्व रिप्लेसमेंट अच्छा होता है ओके okay. बहुत सुनने माए एन्यो वट आर दीज सी दोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज पीपल नो इज ब्लॉकेज एंडल प्रॉब्लम्स बट देर इज ऑल्सो एन एयोटा एयोटा का मतलब है महाधमनी जो हिंदी में बोलते हैं एंड इज अ मेन ब्लड वेसल ऑर द हाईवे ऑफ द बॉडी ओके इट कैरीज ब्लड टू द एंटायर बॉडी कभी कभी ये जो सिस्टम है ये कार्डियो सिस्टम से जुड़ यू नो जुड़ा होता है दैट इज़ हार्ट एंड द ब्लड वेसल टुगेदर ये साथ में भी डिजीज़ हो सकते हैं और ये गुब्बारे की तरफ फूल जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एन एन्यूरिज्म इफ द नॉर्मल साइज ऑफ एन एरोटा इज़ अराउंड थ्री सेंटीमीटर्स प्लस माइनस बट इफ इट बिकम्स मोर देन फाइव सेंटीमीटर्स और मोर देन फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स इट्स कॉल्ड एन एन्यूरिज्म फट सकता है, कभी अंदर से layers फट जाते है उसको डिसेक्शन बोलते हैं तो इट इजनिंग सो हर पेशेंट जिसको एओटी के एनोरिज्म है वो क्रिटिकल है ऑलमोस्ट ऐसे ही मान लीजिए क्योंकि इसका ये स्पेशलिटी है एनोरिज्म का अनफॉर्चुनेटली कि सेवेंटी फाइव परसेंट पेशेंट में सिम्टम्स ही नहीं होते हैं oh. हाँ जी ये लेकिन इंसिडेंटली डिटेक्ट हो जाते हैं जैसे एको करने के टाइम में रेगुलर हार्ट चेकअप करने के टाइम में या किसी और डिजीज़ uh, uh, के इन्वेस्टिगेशन के टाइम में वो इमेजिंग में दिख जाता है तो 75 परसेंट लोगों में ये एक्चुअली एसिम्टोमेटिक होता है और इसको डिटेक्ट करने के बाद वी शुड नॉट डिले बिकॉज इट इट इज़ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग सो इज दर एनी वे जिससे हम ये एटिकिजम्स प्रिवेंट कर सकते हैं Uh, इसका मेन कारण होता है दो चीज़ें होते हैं एक होता है जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ टिश्यू और दूसरा है अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर ओके दिज आर द मेन प्रॉब्लम देर आर मैनी अदर रीजंस इफ वी कीप दीज थिंग्स अंडर कंट्रोल तो वी कैन अवॉइड इट एंड और राधर वी कैन स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ एन एन्यरिज्म लेकिन एक बार डिटेक्ट होने के बाद um, थ्रू इमेजिंग और एको

ज इम्पॉर्टेंट अबाउट थर्टी टू फोर्टी परसेंट लोग बचते नहीं है अगर वो हो जाता है तो तुरंत तो जित जो भी हॉस्पिटल uh, पास में है तुरंत जाना चाहिए और इलाज लेना चाहिए ओके सो अनाट पीपल है लेट रिकवरी जितना आपका ओपन सर्जरी होगा जितने भी हार्ट सर्जरीज है रिकवरी बहुत स्लो होने वाली है सो वॉट इज योर टेक देखिए सर्जरी इज नॉट लाइक अ हंड्रेड मीटर डैश ओके इट इज़ लाइक अ इफ यू वांट टू कॉल इट 800 मीटर्स और इट्स इट्स अ लॉन्गर रनिंग रेस इनिशियली आप स्लो हो सकते हैं यस रिकवरी में तीन से चार हफ्ते लग सकते हैं लेकिन यू लुक एट द लॉन्ग टर्म आउटकम्स उसके बाद यू स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस आप यू कैन फील मोर सिक्योर इट्स मोर रिलायबल आप बहुत सालों तक यू मे नॉट हैव एनी मोर इश्यूज़ प्रॉबर्बली योर ट्रीटेड तो ये इनिशियली आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आप कितना फिट हो सर्जरी के टाइम में मतलब डिड यू कम एज अ कॉम्प्लिकेटेड केस डिड यू कम एज अ इंसिडेंटली डिटेक्टेड वॉक इन केस उस पर भी डिपेंड होता है ओके सो अदर मिथ दैट पीपल है हार्ट सर्जरी हो गया अब जिंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ेंगी यू डू नॉट है वे आउट ऑफ इट हार्ट सर्जरी मतलब लाइफ टाइम का मेडिसिन इज इट ट्रू अनफॉर्चुनेटली इट इज ट्रू क्या है कि uh, जो हम सर्जरी करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए कुछ मेडिसिन लेने पड़ते हैं जैसे कि डायबिटीज मेडिसिन कुछ ब्लड थिनर्स लेने पड़ते हैं ताकि वॉट एवर वी डू सी इट इज नॉट अ नेचुरल पार्ट ऑफ योर बॉडी जो भी हम सर्जरीज करते हैं एट द एंड ऑफ द डे वो एक अननेचुरल चीज होते हैं और uh, उसके लिए उसको मेंटेन करने के लिए मेडिसिन लेने पड़ते हैं एंड यस इट डिपेंड्स यू कैन जस्ट टेक ओनली टू मेडिकेशन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ टू फोर और फाइव मेडिकेशन डिपेंडिंग और क्या क्या चीजें हैं इट इज जस्ट टू मेंटेन जी यस ओके सो एक इशू लोगों के दिमाग में आता है कि यू आर टेकिंग हर मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट होता है अब आप वो मेडिसिन पूरी लाइफ ले रहे हैं तो क्या वो साइड इफेक्ट्स की पोटेंसी बहुत ज़्यादा है उनका साइड इफेक्ट्स का बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है हमें हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं लेकिन वी हैव टू द रिस्क एंड बेनिफिट राइट वो साइड इफेक्ट के चांसेस बहुत ही कम होते हैं अगर आप बेनिफिट्स देखोगे तो लेकिन बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है तो uh, कुछ लोगों में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं कुछ लोगों में हम डोज एडजस्ट करके साइड इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं रेगुलर मॉनिटरिंग से साइड इफेक्ट्स को अवॉइड भी कर सकते हैं uh, बट हाँ थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन सो ऐसा मिथ है कि आप कार्डियक सर्जरी कराओगे कोई भी हार्ट सर्जरी आप करवाओगे इट कैन अफेक्ट योर ब्रेन इट कैन अफेक्ट योर स्पीच आप मेमोरी लॉस हो सकता है सो so, कितना सच है इस बात में सी माइनर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ये नहीं कि नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनका रिस्क होता है एक से दो परसेंट या मैक्सिमम तीन परसेंट यस अगर पहले पेशेंट को ऑलरेडी स्ट्रोक हुआ हो या पहले से कोई कॉग्नेटिव uh, डिसऑर्डर्स जो हम बोलते हैं मेमोरी डिसऑर्डर्स वगैरह ये प्री एग्जिस्टिंग है तो इनके रिस्क और भी बढ़ जाते हैं लेकिन एसच सर्जरी से होने वाले जो रिस्क हैं वो सिर्फ़ एक दो परसेंट के ही रिस्क होते हैं ये या तो एनेस्थिशा के मेडिकेशन से हो सकते हैं या सर्जरी के रिलेटेड भी माइनर हो सकते हैं और रिकवर भी हो जाते हैं लेकिन अगर आप बेनिफिट्स देखोगे जो 95, 98%, 99% परसेंट नाइन्टी परसेंट तक बेनिफिट्स होते हैं सर्जरी से वो एक परसेंट का रिस्क तो होता ही है सो so आप कह रहे हैं कि अगर एनेस्थीसिया की वजह से किसी को मेमोरी लॉस या स्पीच लॉस या स्पीच एम्पेडमेंट कुछ भी हो रहा है इट्स टेम्प्रेरी टेम्प्रेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कुछ अनलकी फ्यू में परमानेंट भी हो सकता है बट द रिस्क इज़ वेरी लो सो ब्रेन डैमेज का कोई डायरेक्ट uh, रिलेशन नहीं, 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 है विद एनी ऑफ हर, हर पेशेंट में नहीं होता है ओके सो देयर इज अ नोशन व्हिच इज पार्शियली ट्रू आई बिलीव हार्ट सर्जरीज आर वेरी एक्सपेंसिव आप हॉस्पिटल जाएंगे एडमिशन होते ही आपसे डेढ़ दो लाख रुपए मांग लिए जाएंगे राइट ऑन द काउंटर सो व्हाई आर दी सर्जरी सो एक्सपेंसिव हर चीज का इतना ज्यादा हाई प्राइस क्यों है देखिए uh, दो सिचुएशंस मैं आपको बताऊंगा एक है हमारे एंजियोग्राम स्टेंट के सिचुएशन और एक होता है सर्जरी के सिचुएशन में एंजियोग्राम स्टेंट में क्या होता है कि जब हम चेस्ट पेन मान लीजिए चेस्ट पेन के साथ हम हॉस्पिटल जाते हैं और इमरजेंसी में हमारे ईसीजी में चेंजेस दिख जाते हैं देन वी सस्पेक्ट दैट यू प्रोबेबली मे बी हैविंग अ हार्ट अटैक इज अ ब्लॉकेज वी नो सम डॉक्टर्स इन सम सि सिचुएशन वी नो दैट यू विल हैव अ ब्लॉकेज तो इन दैट सिचुएशन वी हैव टू डू एमरजेंसी एनजियोग्राम एनजियोग्राम मतलब हम एक नस से डाई डाल के देखते हैं कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस हैं एंड हमें एक क्रिटिकल ब्लॉकेज ब्लॉकेज मिल जाता है जब हम अंदर ओ में होते हैं या कैथलैब में होते हैं हम बाहर आके आपसे पूछ नहीं सकते या पेशेंट से पूछ नहीं सकते उस इमरजेंसी सिचुएशन में कि क्या हम सेंट डाल सकते हैं आपके पास पैसे हैं कि नहीं ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स होते हैं तो एडवांस में आ, कुछ हॉस्पिटल्स और कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप इतना पे करके रेडी uh, हो जाइए कि अगर हम स्टेंट करते हैं तो वी मे हैव टू स्पेंड लाइक दिस तो ऐसा नहीं कि हर हॉस्पिटल uh, या डॉक्टर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने के लिए बोल रहे हैं देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग और अगर हम सर्जरी की बात करें कि चार पाँच लाख का सर्जरी हो सकता है तीन लाख का सर्जरी हो सकता है अगर आप सर्जरी नहीं कराएंगे इट्स नॉट ओनली दैट इट्स रिस्की फॉर योर लाइफ दैट यू डोंट डू सर्जरी आपके डाइंग यू नो चांसेस ऑफ डेथ हो सकता है सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट विदाउट सर्जरी लेकिन ये भी है कि रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन हो सकते हैं फ्यूचर में मान लीजिए एक साल में आप चार पांच बार हॉस्पिटल में भर्ती होने पड़े आपको देन इमेजिन दो दैट कॉस्ट वर्सेज अ लाइफ टाइम का कॉस्ट तो अगर आप तीन चार लाख दे आप सर्जरी करा लो

तो ऐसा नोशन है इंडिया में काफ़ी जगह है। आपका क्या मानना है इस बारे में टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इन इन एंटायर वर्ल्ड हमारे इंडियन डॉक्टर्स मोस्ट सॉट आफ्टर हैं और हमारे जो स्किल्स हैं वो काफ़ी काफ़ी हद तक सुपीरियर है कंपेयर टू मेनी अदर वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज इनफैक्ट हमारे बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स जो वहाँ पे काम करते हैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं वहाँ के नेटिव डॉक्टर्स को कंपेयर करें तो यस yes, वहाँ पे इक्विपमेंट्स पहले अच्छे होते थे बट नाउ इंडिया हैज़ एवरीथिंग हमारे पास सब कुछ है यहाँ पे टैलेंट भी है यहाँ पे इक्विपमेंट्स भी हैं एंड इनफैक्ट वी आर बेटर दैन मोस्ट ऑफ़ द डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी सबसे बढ़िया है इंडिया में यू कैन वॉक इन टू एनी स्पेशलिस्ट ऑफिस और आप अपना ट्रीटमेंट उसी दिन करा सकते हो लेकिन दूसरे कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज में आप आपको दो महीने तीन महीने एक साल तक वेट करना पड़ सकता है ऐसे ट्रीटमेंट्स पाने के लिए तो आई थिंक इट द रिवर्स इज ट्रू अभी कि इंडिया हैज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट एंड हॉस्पिटल्स कंपेयर टू द वेस्ट इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स बाहर से भी आते हैं इंडिया में ट्रीटमेंट लेने के लिए क्योंकि दे हैव एक्सेसिबिलिटी प्लस अफोर्डेबिलिटी अगर आप कॉस्ट की बात करें तो वहाँ पे बहुत इससे चार गुना पाँच गुना ज़्यादा कॉस्टली है वहाँ के ट्रीटमेंट Or India may say a fraction of that cost you get the treatment. Is it the reason why medical tourism for heart surgeries yes. is booming in India? Absolutely, 100%. I think we should be proud of the fact that we pull in, we are one of the largest hubs for medical tourism in India right now. Yeah. And it's only getting better. And, you know, uh, I I can give you an example of myself that after seven, eight years of living and working in different countries, um, I feel the most uh, happiest and satisfied to be here in India to, you know, do surgeries because, you know, the people here really need that. We really too um, we're really glad that you're back in India. We really need surgeons like you so that Hamare India may be burdened, disease burden, especially heart disease burden, come hoopai. Uh, with this, we have come to the end of this podcast. So could you please summarize this entire podcast for our viewers? See, at the end of the day, you have to trust your doctors. Uh, do most of the doctors, I would say, are always advise for the patient's benefit. Okay. And uh, it's important that you take that professional advice and not make your own assumptions. Uh non-professional say pooch ke advice monthly. टेक एयर फ्रॉम योर डॉक्टर बिकॉज ओनली योर डॉक्टर नोज वॉट इज बेस्ट फॉर यू वो एक ट्रस्ट होना ही चाहिए एंड ऑलवेज फॉलो द राइट एडवाइज दे इज नो वन थिंग विच इज बेटर दैन दी अदर एवरी पेशेंट इज डिफरेंट अ पर्सन इज डिफरेंट ठीक है तो वी हैव टू यू नो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू अस्ट